Assalamu alaikum students, hope you are all well. As we have started remedy pack of level 6 subject science, today we will solve question number 7 from the remedy pack of level 6. So question number 7 jo hai wo hai complete the table बिलो. नीचे आपको एक टेबल दिया गया है, इसमें जो है वो डिफरेंट कॉलम्स बनाए गए हैं आप, और कॉलम्स में कुछ कुछ स्पेसेज हैं वो एम्प्टी हैं. आपने उनको जो है वो देख के सॉल्व करना है. जैसे कि मेजरमेंट लेंथ, यानी कि लेंथ हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके मेजर कर सकते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे मीटर रूल. मीटर रूल या मेजरिंग टेप का भी इस्तेमाल करके हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं. उसका यूनिट दिया गया है मीटर, तो इसका सिंबल क्या होगा, एम. इस तरह से आपने जो है वो ये सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट है बैलेंस. बैलेंस जो है वो मास को मेजर करते हैं, यानी वेट को, ठीक है. उसे हम किस में, वेट को किस में मेजर करते हैं, ग्राम में, ठीक है. नेक्स्ट है मेजरिंग सिलेंडर. मेजरिंग सिलेंडर से हम वॉल्यूम, किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, और उसका यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इसका सिंबल cm क्यूब होगा ऊपर, ठीक है. टेम्परेचर का आप सबको पता है कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, सेल्सियस, और उसका सिंबल ये होता है, ठीक है. नेक्स्ट है टाइम. टाइम हम स्टॉपवॉच से जो है वो नोट करते हैं, और उसका यूनिट जो है वो सेकेंड होता है, ठीक है. तो इस तरह से आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा यूग्लिना एंड अम्यूबा. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके जो है वो आपने यहाँ पे डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, ठीक है. आपने इस तरह से जो है वो डायग्राम्स ड्रॉ करनी है अम्यूबा की और यूग्लिना की. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम एंड कलर इट. यहाँ पे जो है वो एक सिस्टम दिया गया है आपको, वहाँ पे आपके लेबलिंग के लिए जो है वो एरोज भी शो किए गए. यहाँ पे आपने ऑर्गन्स को मेंशन करना है कि इस ऑर्गन का क्या नेम है, उसके बाद इसको कलर भी करना है, ठीक है. तो जैसे कि ये पहला है, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे ये क्या है, इट इज़ अ ब्रेन, ठीक है. नेक्स्ट है ये क्या है, लंग्स. आपने ऑर्गन्स मेंशन करने हैं, उसको आइडेंटिफाई भी करना है कि ये कौन सा ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है. तो ये कौन सा है, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट आपने देखना है ये कौन सा है, किडनीज है, इसमें ब्लडर है, यूरेटर वगैरह, ये सारा सिस्टम क्या कहलाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है. इसको ऐसे मेंशन करना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम. उम्मीद करती हूँ आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा. शुक्रिया.